हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल न्यू वीडियो के साथ। दोनों भाई बैक अगेन। आज वीडियो आने वाली है टॉप रियलिटी फ्रॉड सन। मैंने देख रखी है, इसमें नहीं देखी है और आप लोगों ने भी देखी होगी। तो भाई इस बार है फ्रॉड सन, मतलब बाप को बहुत पेलते ताले बहुत आरामी है, बहुत मज़ा आएगा, फुल कॉमेडी। आई होप रिएक्शन आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर देना एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं वीडियो के एंड में, ठीक है। तब्बो, बहुत दिनों से हमारी टांगों पे तेल नहीं लगा आज रात तेरी गाल पे तेल ना लगा दूं। अपसी साला झाड़ू लगा दे चल। क्यों बे नालायक हो, कहाँ हो दोनों? एपी दी भाई उसकी। बाबूजी अबे मनोसो, अब तक सो रहे हो? कोई काम धंधा ढूंढ लो। पता भी कितनी मेहनत करके कमाता हूँ मैं पैसा। मतलब तुम्हारी माँ कितनी मेहनत से कमाती है फैक्ट्री से जाके पैसा। चलो बाबूजी छोड़ो, बच्चा है सी जा। क्या अबे तो झांटू इससे कह कब रही हूँ, तुझसे कह रही हूँ, तू बड़ा है इससे 3 साल। मैं कुछ कर ले तो कर ले। हाँ कर लेंगे, कमा लेंगे पैसा, तुमसे ज्यादा कमा लेंगे। और हाँ तेरी बहू मेरे बारे में कुछ कहे तो झूठ समझियो, वरना घर से निकाल दिए जाओगे। और तुम पहलवान जाओ, कुछ कर लो, जाओ चलो यहाँ से। हेलो गाइस, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम। वालेकुम कुरेश भाई को। वालेकुम सलाम। कौन? अरे कौन को छोड़ो कुरेश भाई यार, गाड़ी बिकवा दूं। बिल्कुल साथ बिकवाओ, बेचने के लिए बैठे हैं। हमें क्या मिलेगा? ओ दलाल है। अल्लाह बेहतर जाने कुरेश भाई। चल तो चल, एक गाड़ी बिकवाएगा 500 रुपए दूंगा। आज झाट दलाली नवारता हूँ मैं, इतने रुपए में ना बिकवाऊंगा। तो कितने लेगा कुरेश भाई? गाड़ी एक ना बिकवाऊंगा, दो ना बिकवाऊंगा, गाड़ी बिकवाऊंगा 3, लेकिन रुपए 1500 लूंगा पूरे। चल हाँ हाँ दिए, 1500 दिए पूरे। ओ और अगर कुरेश भाई गाड़ी भी बादू 4 तो 2000 पूरे 2000 दूंगा। लाओ क्या 2000 रुपए? अबे भैया गाड़ी तो बिकवा पहले। उसे बेबी कर रहा हो कुरेश भाई, कह दी ना तुम्हारे भाई ने बिकवाऊंगा, जाओ 2000 रुपए दो तुम। जा चलाया मोस्टली, क्या चलाया सीधा ना कुरेश भाई, ऐसे ही हूं कसम से, बहुत बड़ा जलील हूं, बिकवा दूंगा तुम्हारी 5 बिकवा दूं, बताओ 2500 रुपए दे दो। लाओ कुरेश भाई नाराज क्यों हो रहा? कुरेश भाई 6 बिकवा दूंगा, चलो बिकवा दूंगा मैं ऐसे करके। साला अभी बोले जाबे बहन के लगा, तुम बिकवा रहे तो पहले पैसे मांग रहा चोंदू। पागल मजनू दीवाना, हमारा लोंडा झाटू भोसड़ी का, मेरी नहीं औलाद की उल्टा बोल लो। अब गाली तुम दोनों भाइयों पे तो लट टूटने चाहिए। जाओ बाहर का गेट गंदा हो रहा है, उसे साफ कर दो। वो भी क्या वक्त था जब हम बड़े गरीब थे यार। अच्छी है भाई, अब तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए फैक्ट्री खोल के दे दी होंगी। ना ना गरीब तो खैर अब भी है अल्लाह के शुक्र से, लेकिन बाबूजी यहाँ कैसे? बाबूजी वाह बेटे वाह, ले दे के गांव के 2-3 घरों में तो इज्जत है, वो भी तू सिगरेटों में पी पी के उड़ा दे माधर चोद। ना बाबूजी सिगरेट न पी रही हूँ, साले मुंह में फलां दे। बाबूजी इधर को, तू भी तो आ यार। बाबूजी तुम्हें पता है कुछ जो बोलते रहो तुम बीच में खामोखा के बातें करते रहो, ये पता है कौन है? रमेश अंकल का लोंडा आई। ओ पर रमेश बहन का जो बहुत मालदार हो रिया। हाँ उससे पता हम कितने चले हैं, फिर भी कुछ ना हो रिया। साले के लोंडे को बिगाड़ दो, गंजाड़ी बना दूंगा, नशाड़ी बना दूंगा, खत्म से करियो इसे, भूख दूंगा भूख, हथियार भी काम ना करेगा इसका। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, तू मेरा ही खून है, कर दे इसके बाप को बर्बाद। तू कर दूंगा बाबूजी, तुम जाओ 20 रुपए पड़ेंगे बाबूजी। ना है क्या हुआ, क्या कह रहे हैं पापा? पापा तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं नाक से धुआं छोड़ो जब मानूं। भैया आप यहाँ खड़े हो, वो पापा मुझे लाना तो लाना दे रहे हैं। अबे टेंशन मत ले बे, बाबूजी यहीं से ही गए, अभी मेरी बात हो गई है, तेरा बड़ा भाई जिंदा अभी। तुम मर जाओ, हम बिरयानी तो खा लेंगे, वो चटनी तो रोटी खा रहे हैं। वाह देख रहे हो इसकी, मतलब बड़े भाई के लिए ये इज्जत है तेरे दिल में, मारेगा बड़े भाई को बिरयानी के चक्कर में। और ये जेब में क्या है? 100 का नोट है। अरे चलो छोड़ो बच्चे, ये आजा खड़ा हो जा यार, तुम हमारे पापा को कार दिलवाओ। हम कार से दिलवा देंगे। दिलवा दूंगा तुम्हें कार, लेकिन पैसों की हैटेक तुम्हारी होगी, गाड़ी A1 कंडीशन, नई नवेली दुल्हनिया। अरे पैसों की चिंता मत करो, हमारे बाप के पास बहुत पैसा। हाँ ये बात तो है बहन, बहुत कमा रही है दलाली।
मतलब मेहनत से कमा रहे हैं तुम्हारे पापा, आओ दिखाओ गाड़ी, आओ अबे आओ गाड़ी। तो मेरे ख्याल से फेल करेंगे नहीं, उनकी कंडीशन बहुत खराब है ये गाड़ी। ये भाई सब कार है या कबाड़ा? ना, गाड़ी एवन कंडीशन है, बस कलर की दिक्कत है इसमें, कलर होते ही गाड़ी। आओ दिखवा दूं, इसी गुड कंडीशन देख लो, आओ भाई साहब इसमें तो इंजन ही ना है। अरे तो उसका टेंशन मत लो, जहाँ से तुम इसमें कलर कराओगे उसके बराबर में दुकान है इंजन वाले की, वहाँ इंजन वाली। बाकी गाड़ी A1 है, लाओ पैसे दे दो, पसंद आ गई हो तो अभी सुनता जा। जाओ यार भैया, यार गाड़ी तो देखने दे यार। भाई साहब इसका ये तो टूट गया। अरे तो इसकी भी दिक्कत मत लो, जैसे तुम इंजन लगवाने जाओगे उसके बराबर वाली दुकान डेंटिंग पेंटिंग की है, वहां पे लग जाओ नया बिल्कुल। तो गाड़ी पसंद आ गई तो लाओ पैसे भी दे दो। अबे लड़की चोद देखने तो दे। ओके, नाराज होने वाली बात कोई नहीं है, देखो खेल लगा रहेगा कोई भी भाई साहब, देख लो। यार भाई साहब मुझे गाड़ी अच्छी ना लग रही। यार कैसी बात कर रहे हो यार भाई साहब, यार बिल्कुल गुड कंडीशन, फोर विंडो वाली है यार। देख लिया पहलवान, जाओ। अरे भाई साहब यहाँ कोई आ रहा, ये गाड़ी देखते होती हो रही ना कैसी है गाड़ी। गाड़ी कहाँ भाई साहब, ये तो कबाड़ा है। गाड़ी खड़ा की लीजिए साले को, तुम गाड़ी देखो भाई साहब। वैसा भाई साहब मांग कितने रहे हो इसके? 50,000। बस 50,000? बस कह रिया भाई साहब 50,000 तो गाड़ी की रजिस्ट्री के जाएंगे, और गाड़ी पड़ेगी 3.5 लाख रुपए की A1 कंडीशन। भाई साहब इसका तो टायर भी निकल गया। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम वहां जाओगे डेंटिंग पेंटिंग कराने, उसके आगे वाली दुकान टायर की है, वहाँ टायर डल जाएगा। सालों दोनों भैया मिलके मेरे चूतिया बना रहे हो, इतनी कबाड़ा गाड़ी है, एक नंबर की भाईजात गाड़ी, और मुझे भी आने फिर रहे हो। मैं ले ही ना रही गाड़ी। अबे तुम भी यार भाई, तो 10,000 रुपए की गाड़ी के 3 लाख रुपए ले रहे हो, 25,000 रुपए की। हाँ भाई कुछ हुआ इतने दिनों में तुमसे? बाबूजी चलो यार, क्या डाल रहे हो, बच्चा है कर लेगा बाबूजी, कर लेगा। अबे हाथी के कद्दू, इससे क्या कर रही हूँ, तुझसे कह रही हूँ, उस दिन भी गया था आज भी कह रही हूँ, इसे तो तू छोड़ दे, ये तो तुझसे 3 साल छोटा, तू बड़ा है, तू कमा पैसे। ये यार बाबूजी ये कौन सी बात है तुम्हारी, पैसे कमाने में ये छोटा हो जा, उस दिन हम समीम की लड़की गाल मार रहे, तो ये सबसे पहला आ रही। बाबूजी मैं तो पहलवान हूँ, पहलवानी करूँ? हाँ पता मुझे तू कौन सी पहलवानी कर रहे है। और हाँ आज मैं तुझे सेठ के पास लेके जाऊंगा तेरी नौकरी पक्की करने के लिए, 8-10 लोंडो को तो मान ले तू। हाँ बाबूजी 8-10 को तो मान लूंगा, लेकिन कभी कभी तुम्हें पता ही है। हाँ वो मुझे पता, सेठ के पास बस अपना आपको तू धाकल पहलवान बताइए, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। चला सेठ जी नमस्कार। हाँ चल हाथ पीछे कर, सेठ देखे ना हाथ मिलाने आ जा। और बता आज भी खाने खराबी है, कुछ कर लिया जिंदगी में अपनी? ना खैर आज भी खाने खराबी है। हाँ बता कैसा आना हुआ? मैं कह रही हूँ सेठ जी, ये जो तुम पे इतनी धन दौलत है, तुम ये 8-10 लोंडे रख रखे और इन्हें बेफजूल के पैसे देते हो तुम, इससे बढ़िया मेरा लोंडा रख लो। ऐसा क्या है साथी कद्दू में जो इसे मैं रख लूँ? सेठ जी लड़का हमारा MBBS है। अरे सेठ जी ये तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, ये पढ़ा लिखा है ना, MBBS कैसे बन जाएगा? मतलब सेठ जी अब MBBS भी पढ़े लिखे ही बनेंगे क्या, हम जैसे अनपढ़ बनने के? कौन चूतिया पाल लगा इसे कुछ पता ही ना। क्या मुंशी जी तुम्हें लंड पकड़ने की तमीज ना, आड़ों की कोलिया भर रहो। हाँ तो तू बता तेरे लोंडे में क्या खूबी है? सेठ जी लोंडा हमारा पहलवान है, 8-8 को अकेला मारता है। 8-8 को कुछ करतब करके दिखाइए भाई। भैया
लोंडे को आज से, तेरे लोंडे की तनखा होगी 5,000 रुपए। ओए मुंशी जी, सारे चेले चपाटों को भगा दो आज से। सेठ जी मैं कह रहा हूँ वो 5,000 रुपए अभी दे देते। चल बे कटुए, महीना तो अंधे, चल निकल, हट, गरीब गरीब गरीब, हट। अबे यार कादिर भैया, पहलवान की हमारे बाबूजी ने नौकरी लगवा दी 5,000 रुपए महीना पे। साला पढ़ा लिखा भी ना, फिर भी लगवा दी। हम आठवीं पास है, कोई ना पूछ रही हमें यार। ए, लग जाएगी यार तेरी भी, पता ना कब लगेगी यार। अच्छा दिल्ली के स्पेलिंग बता। पोपट कर दिया। डी दिल्ली की स्पेलिंग बताओ। भोसड़ी के, आठवीं पास है भाई, दिल्ली की स्पेलिंग आती ना तुझसे? सुतरी क्या, तुझसे भी तो ना आती, तू तो बारहवीं पास है पूरी। अबे कह रही है फिक्र मत करिए। डाकू मंगल सिंह, तू यहाँ? तू तो जंगलों में रहता है ना। अबे हाथी के कद्दू, तू कौन सा दिल्ली रोड पकड़ा है? तू भी तो जंगल में ही है। और आज तुझे हम लूटेंगे। लूट ही नहीं सकता है क्योंकि मेरे साथ पहलवान है। तुम तो वैसे भी तीनों, ये अकेला आठ पे भारी है। चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दे वरना यही मारे जाओगे। ओ अच्छा, ये मारेगा मुझे डाकू मंगल सिंह को? वैक्सीन के लिए का सेट का। ओए पजामा छोड़, अबे नीचे कुछ ना पहना, छोड़ बैग ला चुपचाप। क्या कर रहे हो, मारो डायलॉग का मान लेगा, पूरे मजाक मत करो। सेठ आज मैं कुछ नहीं कर सकता, आज सब तुम्हें करना पड़ेगा, आज मैं गंडी आ गया। बेटे मजाक मत करे, पूरे डायलॉग का मान ले, मेरा मार क्या है ना अभी। सेठ मैं गंडी आ गया, मुझसे ना हो पागा। यार ये मजाक का टाइम ना आया। एक मिनट, सेठ तो इसे बहुत खतरनाक पहलवान बता रहा था, अकेला आठ को भारी था ये तो। हमें तो कुछ कही ना इसने, आज साले की पैंट उतारते और गाल पे थूकते हैं, निकालते हैं इसकी सारी पहलवान। ए पहलवान, तेरी साला आज पहलवानी निकालते, जस साले की पैंट उतार का। ए तू बहुत गलत कर रहा है। अबे गलत छोड़, तेरे गुस्से की ऐसी। ए रहन दे। छुटा लिया ना तुम्हारा माल सेठ जी। ये पकड़ भैया अपनी एक दिन की तनखा, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू, कल से नौकरी पे मत आना। क्यों सेठ जी, इन गुंडों ने तुम्हारा माल छुटा लिया, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल लो। माल छुटा लिया वो तो भला हो, इन गुंडे भाई का जो तेरी घर पे कूदने आ गया, मेरे 2,50,000 का माल तो गया था। सेठ जी प्लीज, सेठ जी भैया काम करो, सेठ जी प्लीज। अबे सालों नलायक को, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता, और इसे पहलवान को मैंने उसे सेठ के पास लगाया, इससे 3 आदमी ना पीटे, गंडी आ गया ये। भाऊजी मारे तो थे। अबे मुंह चोरी कर दिया माता चौथ, और एक ये पड़ा वाला आएगा, साला तलाली मारता फिर रिया, कुछ कर धर ना रिया। अबे चले जाओ, मेरी औलाद ही ना हो सकते भाई, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। यार मुझे लगता है मैंने अपनी औलाद को जाते ही डांट दिया, दिखे कहीं वो मेरी बात को दिल पे लेके कोई गलत कदम ना उठा ले। ऐसी देखियो, मुझे अपने लोंडो की बहुत फिक्र हो रही, तुमने जवान लोंडो को घर से बाहर निकाल दिया, पहलवान तो बहुत आराम में भी है, वो बड़ा वाला तो बेचारा बहुत सीधा, उसकी बहुत देखियो कितना रो रही है, कुछ कर लो ना, उन्हें लिया वापस। हाँ तो सही कह रही है, मेरे लोंडे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं देख कर आता हूँ। पहलवान मैं क्या सोच रहा हूँ, बाबूजी ने हमें घर से बाहर तो निकाल दिया। हाँ क्यों ना हम बाबूजी को मार दें, और जायदाद तो हम दोनों भाइयों के नाम होगी, 50-50 कर लेंगे। हाँ सही कह रहा हूँ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आजा बाबू भाई पकड़े। रिएक्शन इज ओवर भाई, मैं आ गया वीडियो। हां भाई मैंने तो देख रखी थी, तू बता तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वीडियो का? कर रहा पहलवान का सीन बड़ा कर रहा है, दुख तो है बहुत, अच्छा था ना इसलिए पहलवान बोले साले वही तुम गंडी छोड़ दी बराबर बात नहीं। तो गाइस
आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो लाइक करो यार। तेज लगी तेरी, ऐसी तेजी मुझे तो नहीं लगी। तो गाइस तुम जानवर हो ना, हम इंसान है। तो भाई रिएक्शन जिंदे भाई की और भी ऐसी देसी करा रहा है। तो बेस्ट वीडियो थी मेरी, मतलब इनकी पुरानी वीडियो बहुत मस्त मस्त थी। तो मेंटल वगैरह फैमिली वगैरह देखी थी मैंने पुरानी, जो फैमिली वगैरह थी वो भी सब इसी टाइम की वीडियो है ये। अच्छा। और इसके पार्ट भी बहुत अच्छे थे यार, बीच बीच में दूसरा पार्ट भी है क्या? नहीं, नॉट सन एक ही था ये, मैंने देख रही थी, तू नहीं देखी थी, तेरे चक्कर में लगाई थी मैंने। और अपनी ऑडियंस चक्कर में आई, रिएक्शन आपको अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और बेस्ट पार्ट जब वो कहता ना गाड़ी आ गया, मैं आ गया इसलिए फिर और एक वाला सीन भी कर रहा कौन सा कार बन गया था कार, अरे कार वाले भी ले लो 3 लाख में ले लो। वो कहता भैया भैया क्या कर रहे, अरे यार सेठ जी तुम भी 10 लाख 10 हज़ार की गाड़ी के तुम 3 लाख मांग रहे हो, 25 ले ले तू। मतलब वो दल्लों का होता यही काम है, तू ले ले तू ले ले, मतलब किसी को भी चेप हो चेप दो बस दो बस। वीडियो टॉप थी बहुत, पंचेस थे बीच में, पहले की वीडियो में बड़ी गजब गजब बात होती थी, अब तो लेंथ हो जाती है वीडियो काफ़ी, बट अब भी मस्त होती है और पहले की तो बात ही अलग है भाई। तो आई होप रिएक्शन आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करके जाना एंड जो आपका पसंदीदा पार्ट हो वो कमेंट करके जाना एंड यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई करो।